जहरीला है, मिल गया, मिल गया। निकलने का भी इधर जगह नहीं है। आराम से चोट ना लग जाए उसको, ज्यादा लंबा है का? निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, पीछे सरक रहा, सरक रहा, सरकने दिए। ये कौन सा सांप है भैया? इसको कहते हैं, देखो, इंडियन रेड स्नेक, जिसको हम लोग धामिन, हाँ धामिन कहते हैं, धामिन है। देखो, बाप रे, काफी काफी प्रयास के बाद ये सांप हम लोग को मिला है। और इसको इतना मेहनत करना पड़ गया, आधा घंटा हमको इतना मेहनत। ये देखिए, पसीना पसीना हो गया है पूरा। मगर ये है कि आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार है कि आप लोग इतना सपोर्ट किए कि हाँ भैया निकाल लिया जाए, इसलिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाहर, आइए बाहर। देखिए देखिए, झड़िया में ना घुस जाए। देखो देखो, तुम इसे कहते हैं धामिन, जो बिल्कुल जहरीला नहीं होता। लोगों को लगता है कि बड़ा है तो डर है, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। इसके काटने में इसके अंदर कोई जहर नहीं रहता है। हाँ धामिन है। देखिए तो ये है इंडियन रेड, गंदा कर दिया हमारा शर्ट भी। इसे जहर है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये कम से कम 6 फीट का होगा, 6 फीट का है। इससे पहले अभी हम दो एक थोड़ा निकाले, एक थोड़ा पीछे निकाले, ये तीसरा सांप हो गया है। तो आप सब लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भैया सांपों को पहचानिए, उनके साथ समझिए कि क्या हम लोग ताल मलमल बनाए तो हमारा जीवन भी सफल रहेगा। क्योंकि जितना भी ये चूहा हुआ यहाँ रहता है उसी को खाके जीता है। आओ भाई चलिए। हाँ हाँ, वो देखो यार, बोरा फेंक रहे हैं। हमने स्नेक पकड़ा है, वो अपना इंडियन रेड स्नेक है, उसको हम लोग छोड़ने के लिए यहाँ आए थे जंगल में। और यहाँ का वातावरण इसके लिए बहुत ही अनुकूल है, चारों तरफ पानी है, हरियाली है। अब यहाँ बिल्कुल बिंदास रहेगा, यहाँ किसी से भी टेंशन नहीं रहेगा कि कोई इसको पकड़ेगा या कुछ रहेगा। देखिए इंडियन रेड स्नेक है, इसको छोड़ दिया गया है।